Good afternoon. Good afternoon, Ans. Good afternoon, Sivam. Good afternoon, Rajan. Good afternoon, others. Good afternoon, Ms. Vriti. Good afternoon, Bache. राइट सर गुड आफ्टरनून राजन गुड आफ्टरनून श्रेयस अभय अभिनय अभिनय यस अमीशा जिसना खुशी यादवेंद्र गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून रजनी अरिज मनीष प्रिंस अनिरुद्ध अरिता राइट सो गुड आफ्टरनून बच्चे आप सबको सो वेलकम मेरी तरफ से स्वागत है पीडब्ल्यू राइट ओनली आई एस की तरफ से आपका स्वागत है बच्चे और जितने जोश में जितने राइट right? उत्साह में आप हैं उतने ही उत्साह में हम लोग भी हैं आपके लिए है ना बच्चे सो लव गुड आफ्टरनून बच्चे तहसीन गुड आफ्टरनून सेनम गुड आफ्टरनून बच्चे ठीक <laughs> है फाइन एम एस ठीक है बच्चे मैं बता दूंगा राइट हर्ष, गुड आफ्टरनून सो नाइस ऑफ यू राइट गुड आफ्टरनून आप सबको मैंने कोशिश की आप सबके नाम को बोलूं राइट अगर कोई छूट गया है तो उसके लिए भी राइट सो so, नैंसी राइट सो सो नाइस ऑफ यू नैन्सी श्रेया सुजीत आशीष बिसभ विशाल इंडिया गुड आफ्टरनून <laughs> राइट इंडिया इंडिया ओके okay, ओके okay. जी राम राम समेंद्र ओके फाइन बच्चे सो टुडे ओके फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग लाइव क्लासेस इन सेवन मंथ्स हरसद राइट बच्चे आपको अच्छा लगेगा लाइव क्लास में और अच्छा लगेगा है ना बच्चे ओके हाँ फाइन सुचेता सुचेता गुड आफ्टरनून प्रसून प्रसुस्ति गुड आफ्टरनून अली अनुमानिया प्रीति अमन ओह ग्रेट वंडरफुल आज बच्चे हम लोग एंशियंट इंडिया की शुरुआत करेंगे और आप सबको पता होगा तो गुड आफ्टरनून प्रियंका अमन आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं आप सब ये जानते होंगे <laughs> आप सब जानते होंगे बच्चे और पहला पेपर में एंसियंट और मेडिबल होता है दूसरा पेपर में मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री होता है वी तो आर स्टार्टिंग एनशियंट इंडिया पेपर वन है ना तो हम लोग पेपर वन स्टार्ट करेंगे हम लोग एनशियंट इंडिया स्टार्ट करेंगे फाइन बच्चे तो आज इंट्रोडक्ट्री राइट सेशन होगा हमारा फाइन और हम लोग एनशियंट इंडिया की शुरुआत करेंगे तो जब हम एनशियंट इंडिया की शुरुआत करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग करेंगे बच्चे आज तो आज हल्की फुल्की बातें करेंगे आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे एंसेंट इंडिया को फाइन तो गुड आफ्टरनून सिमरन गुड आफ्टरनून राइट आशीष है ना बच्चे डन तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे रिलैक्स्ड राइट अप्रोच से चलेंगे आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं है ना बच्चे यस हर्षवर्धन गुड आफ्टरनून या यादवेंद्र राइट ओके सो टुडे आवर टॉपिक वुड बी इंट्रोडक्शन ए जनरल इंट्रोडक्शन राइट सो एंसेंट इंडिया को हम समझेंगे बच्चे ये बात तो क्लियर है मैंने कई बार आपको कह दिया है कि पेपर वन एंड पेपर टू और पेपर वन में दो पार्ट एंशियंट राइट एंड मिडेबल राइट एंड राइट, राइट कनिस इज हिस्ट्री ऑप्शनल बच्चे हां हां बिल्कुल हिस्ट्री ऑप्शनल में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है वृत्ति वो मॉडर्न इंडिया के बाद तीन चैप्टर हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है बिल्कुल सही वृत्ति हिस्ट्री ऑप्शनल में पेपर टू में मॉडर्न है पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है लेकिन राइट right, ओवरऑल इसको हम लोग मॉडर्न कह देते हैं लेकिन टेक्निकली मॉडर्न में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है आपने बिल्कुल सही कहा है, है ना बच्चे ठीक तो आज हम लोग एनशियंट इंडिया से शुरुआत करेंगे डन तो एनशियंट इंडिया में हमारे पास जो सिलेबस है यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है आप में से कुछ लोग जीएस में एंसियट इंडिया पढ़ चुके होंगे है ना बच्चे जीएस में एंसेंट इंडिया आपने पढ़ा होगा या कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा कोई डरने की बात नहीं है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है है ना बच्चे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा जीएस और ऑप्शनल के अप्रोच में भी अंतर होगा है ना बच्चे जीएस में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ओवरडोज होता था ना है ना इंफॉर्मेशन हरप्पा पे बीस इंफॉर्मेशन धोला बीरा पे चालीस इंफॉर्मेशन वो नहीं होगा है ना वो अप्रोच नहीं हो। आप देखोगे कि वो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है ऑप्शनल में अप्रोच डिफरेंट होगा ठीक तो हम लोग आज देखेंगे कि एंसेंट इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है राइट तो एंसेंट इंडिया अगर मैं बात ही करूं कि ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना चाहिए है ना बच्चे हाँ मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र में से कोई एक मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए तो एंशियंट इंडिया के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले बच्चे आप सब जीएस के लिए भी एनसीआरटी पढ़ते हैं तो ऑप्शनल के लिए भी अगर आप एनसीआर पढ़ें तो अच्छी बात है है ना बच्चे तो एनसीआर को शुरू में आपको पढ़नी चाहिए एनसीआर को आपको पढ़नी चाहिए राइट लेकिन एन ऑप्शनल के डिमांड को पूरा नहीं करता लेकिन एक बेस जरूर देता है है ना बच्चे बेस जरूर देता है तो आप एनसीआरटी जब भी पढ़ेंगे राइट जीएस के लिए भी पढ़ेंगे है ना और ऑप्शनल के लिए भी पढ़ेंगे तो जीएस के लिए जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे है ना इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करते हैं आप लेकिन जब आप ऑप्शनल के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो स्टोरी पे ध्यान रखेंगे है ना बच्चे ऑप्शनल के लिए जब राइट आप पढ़ते हैं एनसीआरटी तो स्टोरी मेकिंग पे ध्यान रखेंगे स्टोरी पे ध्यान रखेंगे जैसे सपोज आपने हर्षवर्धन एनसीआरटी से पढ़ा आपने हर्षवर्धन तैयार किया एनसीआरटी से तो आप जब एनसीआरटी से हर्षवर्धन तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल लू कि जब आप एनसीआरटी से हर्षवर्धन तैयार करेंगे हर्ष पढ़ेंगे आप जानते हैं कि एनशेंट इंडिया के रूलर थे हर्षवर्धन सिक्स राइट right, ए तो जब आप हर्षवर्धन ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे एनसीआर में तो आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि हर्षवर्धन राइट right, का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था हर्षवर्धन राइट right, के समय में इकोनॉमी कैसी थी हर्षवर्धन के समय में लिटरेचर का कैसा डेवलपमेंट हुआ ओवरऑल हर्षवर्धन को एज ए रूलर कैसे हम एज ए रूलर हम कैसे इनको राइट right? हम कैसे इनको इवेल्युएट करेंगे तो हम हर्षवर्धन पे एक राय बनाएंगे हर्षवर्धन के डिफरेंट डायमेंशन को समझेंगे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे कि हर्षवर्धन ने राइट right, नागानंदा भी लिखा प्रियदर्शिका भी लिखी हर्षवर्धन के समय में राइट right, ये हुआ वो हुआ इनका ये टाइटल था ये जीएस के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं ऑप्शन में भी करते हैं लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी हर्षवर्धन के समय में हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो जब हम हर्षवर्धन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन को हुएनसांग ने कैसे प्रेजेंट किया है ना प्रांजल हर्षवर्धन को हुएनसांग ने कैसे प्रेजेंट किया हर्षवर्धन को वान भट्ट ने कैसे प्रेजेंट किया हर्षवर्धन को उनके समय के इंस्क्रिप्शन या क्वाइंस ने कैसे प्रजेंट किया हम ये ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मेरी बात समझ में आ रही है तो जब हम एनसीआरटी पढ़ेंगे जब हम एनसीआरटी पढ़ेंगे ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम हर एक टॉपिक के अलग अलग डायमेंशन को देखेंगे हम देखेंगे कि अलग अलग सोर्सेस उनके बारे में क्या बताता है सांग हर्षवर्धन की तारीफ करते हैं या हर्षवर्धन से वो गुस्सा करते हैं क्या क्या उनकी प्रशंसा करते हैं या उनके बारे में कुछ गलत लिखते हैं हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे उस तरह की स्टोरीज में है ना बच्चे तो ये आपको आसान लगेगा आपको बाद में लगेगा कि जीएस से ज्यादा आसान ऑप्शनल है इंफॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारा मकसद नहीं होगा तो आप यहां पर आपको डर कम लगेगा आपको ये नहीं राइट डर लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है अगर दो तीन इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल आपको समझना होगा सपोज जब आप एनसीआरटी पढ़ेंगे और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे बच्चे क्या हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता जैसा है गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन जैसा है या गुप्ता से कुछ अलग हो गया है मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे तो जब हम हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो हम उसके पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देंगे हम ज्यादा ध्यान देंगे कि हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के जैसा है या कोई बदलाव आया है हम कंपेयर करेंगे है ना बच्चे हम कहेंगे कि गुप्ता जैसा ही है लेकिन कुछ फ्यूडल एलिमेंट आ गया है तो आप फिर सोचेंगे फ्यूडल एलिमेंट ये क्या होता है ये फ्यूडल एलिमेंट क्या होता है बस मैं उदाहरण दे रहा था बच्चे बस आपको समझा रहा था कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एनसीआरटी पढ़ेंगे तो स्टोरी मेकिंग पे ध्यान देंगे कंपेयर करेंगे है ना हम एक आइडिया बनाएंगे कि कनिष्क किस तरह का रूलर था हर्षा किस तरह का रूलर था है ना गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था क्या ये मौर्या से डिफरेंट था बेटर था या खराब था एक आइडिया हम डेवलप करते रहेंगे एक स्टोरी डेवलप करते रहेंगे राइट right? अगर आपने ये काम कर लिया एनसीईआरटी से बच्चे इसका मतलब आपका डायरेक्शन सही है है ना आप इंफॉर्मेशन ऑप्शनल के लिए कलेक्ट नहीं करेंगे राइट right? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि क्या एन हमें ऑप्शनल के लिए पढ़नी चाहिए बिल्कुल पढ़नी चाहिए आपको जीएस के लिए तो आप पढ़ते ही हैं लेकिन जीएस के लिए पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन के लिए लेकिन ऑप्शनल के लिए जब पढ़ेंगे तो ओवरऑल स्टोरी बनाने के लिए कंसेप्ट बनाने के लिए समझदारी के लिए है ना ताकि आप कंपेयर कर पाए आपको डर ना लगे आपको सोचना ना पड़े कि सातवाहन के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और मोडियन के समय में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था क्या चेंज आ गया अगर यह सोचने में डर लग रहा है इसका मतलब हम ऑप्शनल के अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं आपको डर नहीं लगना चाहिए है ना बच्चे तो हम लोग स्टोरी मेकिंग राइट पॉइंट्स के जरिए हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कंपेयर कर पाए है ना पिछले वाले चैप्टर को अगले वाले चैप्टर से इस पीरियड को उस पीरियड से समुद्रगुप्त को अशोक से अशोक को कनिष्क से कनिस्ट को हर्ष से आप कंपेयर कर पाए बिना इंफॉर्मेशन के मेरी बात समझ रहे हैं तो आप कह दें यस yes, राइट right? बिना इंफॉर्मेशन के अगर याद आता रहे कि अशोक का पीरियड कैसा था कोई बिना कोई फैक्ट के बिना इंफॉर्मेशन के इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं यह बात क्लियर है बच्चे तो मैंने आपको बताई कि क्या हमें एंशियंट इंडिया के लिए भी एनसीआरटी पढ़नी चाहिए जी बिल्कुल पढ़नी चाहिए है ना लेकिन एनसीआरटी पढ़ते समय हमें इंफॉर्मेशन पर ध्यान नहीं रखना है हमें स्टोरी मेकिंग पे ध्यान रखना है ओवरऑल समझ आनी चाहिए है ना ओवरऑल समझ आनी चाहिए कि हाँ क्या कंपैरिजन है क्या दोनों में अंतर है राइट ये बात समझ में आनी चाहिए ये पहली बात बच्चे दूसरी बात एनसीईआरटी तो आप पढ़ेंगे ही ना जीएस के लिए तो आपको पढ़नी ही है है ना जीएस के लिए तो आपको पढ़नी ही है ऑप्शनल के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और केवल स्टोरी बनाने के लिए केवल समझ बूझ के लिए वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी में एक और चीज ध्यान देंगे मैं आपको बताऊंगा एनसीआरटी में अगर कोई हिस्टोरिकल साइट मिले है ना अगर कहीं पे एनसीआरटी पढ़ते वक्त अगर एनसीआर पढ़ते वक्त कहीं पे अगर कोई साइट मिलता है कोई भी साइट मिलता है तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा सपोज लुम्बिनी आपको दिखा सपोज लोथल आपको दिखा सपोज मेहरगढ़ आपको दिखा तो आप उन सारे साइट्स को अंडरलाइन करते जाएंगे उन सारे प्लेसेस को अंडरलाइन करते जाएंगे है ना अगर एनसीआरटी के मैप में वो साइट दिया हुआ है तो उसको देखते जाएंगे तो एनसीआरटी में आप दो चीजों पर फोकस करेंगे एक जो प्लेसेस दी गई हैं जो साइट्स दी गई हैं और दूसरा जो कंपेयर किया गया है स्टोरी बनाई गई है है ना जिस सोर्सेस का यूज किया गया है किसी भी पीरियड को समझने के लिए जिन जिन सोर्सेस का एनसीआरटी ने प्रयोग किया है सपोज किसी पीरियड में किसी फॉरेन ट्रेवलर का प्रयोग किया है है ना बच्चे जब हम मॉडियन पीरियड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेगास्थनीज का एनसीआरटी प्रयोग करता है यूज करता है तो हम उस पर ध्यान देंगे इसका मतलब जब भी मॉडियन पीरियड पे बात होगी तो मेगास्थनीज की बात करनी होगी ठीक तो एन हमें पढ़नी चाहिए बिल्कुल पढ़नी चाहिए और एन में एज ए स्टूडेंट जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है उसको क्या ध्यान देना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना चाहिए स्टोरी मेकिंग पे ध्यान देना चाहिए कंपेरिजन पे ध्यान देना चाहिए डिफरेंट डायमेंशन पर ध्यान देना चाहिए और प्लेसेस पर ध्यान देना चाहिए ठीक तो हमारा पहला राइट हमारी पहली राइट right. सजेशन क्या होगी आपके लिए कि आपको एनसीआरटी अगर आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है नहीं पढ़ चुके हैं तो आपको एनसीआरटी पढ़नी चाहिए जीएस के लिए आप पढ़ते ही हैं ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से भी आपको पढ़नी चाहिए इज दट क्लियर इज दिस क्लियर ओके इसके अलावा एनसीआरटी के अलावा जब हम कोई चैप्टर पे काम करेंगे ऑप्शनल के लिए तो एक और किताब है जो आपको एज ए रेफरेंस यूज करनी पड़ेगी है ना बच्चे क्लास नोट्स के बाद एज ए रेफरेंस आपको आप सबको जनरली यूज करनी होती है वो है उपिंदर सिंह है ना एंशियंट इंडिया और अर्ली मिडेबल इंडिया के लिए ये बेस्ट किताब है ऑप्शनल के लिए ये बेस्ट किताब है उपिंदर सिंह लेकिन ये रेफरेंस बुक है है ना अगर आप बिल्कुल नए हैं हिस्ट्री में तो उपेंद्र सिंह को शुरुआती दिनों में यूज नहीं करेंगे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास नोट्स रिवाइज करेंगे लेकिन जब वो चैप्टर हो जाता है तो एक बार आप उपेंद्र सिंह से कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे एक बार उपेंद्र सिंह को देखेंगे तो उपेंद्र सिंह को हम लोग यूज करेंगे एज ए रेफरेंस बुक इज फाइन राइट डन जरा चैट रिफ्रेश करिए मुझे लग रहा है रुक गया है चैट रिफ्रेश करें राइट ओके हां फाइन आपकी चैट रुक गई थी राइट अब ये ओके है ठीक है तो मैंने बता दिया कि उपिंदर सिंह को कैसे यूज करना है मैंने दो बातें बताई बच्चे है ना कोई कंप्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए एवरीथिंग शुड बी सिंपल नहीं नहीं आदर्श अभी वीडी महाजन नहीं पढ़ना है बच्चे वीडी महाजन वगैरह अभी नहीं पढ़ना है है ना वी डी महाजन नहीं पढ़ना है आपने तो मैंने बताया कि आपको एन को पढ़नी है एनसीआरटी आपके पास जो कुछ भी है आर एस शर्मा है तो अच्छी बात है एनसीआरटी की पुरानी वाली आर एस शर्मा है तो अच्छी बात है आप एनसीआरटी पढ़ें पढ़े एनसेंट इंडिया की बिल्कुल आर एस शर्मा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल क्या आयुष बहुत अच्छी है आर एस शर्मा अगर पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है पुरानी वाली एनसीआरटी अगर आर एस शर्मा है ओल्ड वन इज बेटर ऑर्गेनाइज न्यू वन राइट दे हैव मोर कंटेंट दे हैव मोर कंटेंट सो फॉर जीएस यू हैव टू रीड बोथ बट फॉर ऑप्शनल आर एस शर्मा यू कैन कंसीडर बेटर आर एस शर्मा इज बेटर आर एस शर्मा इज बेटर आपको एनसीआरटी पढ़नी है क्लास नोट्स राइट आपको हेल्प करेगा यू कैन रिलाई अपॉन बच्चे क्लास नोट्स राइट एंड देन मैंने बताया फॉर रेफरेंस यू हैव टू रीड उपेंदर सिंह यू हैव टू रीड उपेंदर सिंह है ना इसके अलावा कोई भी चक्रवर्ती या महाजन या कोई और किताब अभी नहीं देखना है आप कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे आप परेशान हो जाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप अटक जाएंगे है ना अभी नहीं यूज करना है अगर आपके पास है तो यू कैन यूज इट लेटर राइट यू कैन यूज इट लेटर है ना मैपिंग के लिए अलग बुक की जरूरत नहीं है मैं बताऊंगा आपको हम लोग फाइन हम लोग मैपिंग के लिए जो करेंगे उसके अलावा राइट right? जो आपके पास बुक है वही काफी है मैपिंग के लिए है ना उपिंदर सिंह में एनसीआरटी में बहुत सारे मैप हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. है ना इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके पास जो है उसको आप बाद में यूज करेंगे बच्चे है ना तो क्लास में हम लोग जनरली राइट right, हम लोग ऑप्शनल में इग्नो बुकलेट उपिंदर सिंह ये सब कुछ यूज करेंगे है ना और बाकी जो किताबें हैं जो पुरानी किताबें थी जो आप लोग नहीं यूज करते हैं हम लोग उसको भी यूज करेंगे है ना तो प्रांजल यू कैनोट कंसिडर एनी बुक एज एनफ कोई भी बुक एनफ नहीं है बट यस दे आर गिविंग यू सफिशियंट प्रांजल इज इट क्लियर बच्चे मैंने कहा कि आपने एनसीआर पढ़नी है ये तो जीएस के लिए भी आप करेंगे क्लास नोट्स को बेस बनाना है क्लास नोट्स को बेस बनाना है एंड देन और क्लास नोट्स में वी विल बी इंक्लूडिंग ऑल द टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग इग्नो हम लोग क्लास नोट्स में इग्नो भी इंक्लूड करेंगे बाकी टेक्स्ट बुक भी इंक्लूड करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर एज ए रेफरेंस उपेंद्र सिंह को भी यूज करना है फाइन बच्चे एनी एनी डाउट एनी डाउट हां जीएस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नोट्स अलग बनाना पड़ेगा प्रांजल अलग बनाना पड़ेगा बच्चे जीएस में केवल इंफॉर्मेशन होगा और ऑप्शनल के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगा इंफॉर्मेशन कम होगा राइट right? तो ऑप्शनल का नोट्स हेल्प करेगा जीएस के लिए जीएस का नोट्स हेल्प करेगा ऑप्शनल के लिए लेकिन बनाना होगा दोनों को अलग तरीके से लेकिन दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा यस इफ यू हैव इग्नो मटेरियल यू कैन यूज इग्नो मटेरियल ऑल्सो सो आई होप दिस इज क्लियर देर शुड बी नो डाउट बच्चे अदरवाइज आप हमेशा इससे डिस्टर्ब होते रह, हो रहोगे क्या करना है अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है सपोज बी डी महाजन है या कोई भी और पुरानी किताब है या आरसी मजुमदार है या चक्रवर्ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप उसको यूज कर पाओगे बाद में बाद में यूज कर पाओगे टू एड राइट सो देर इज नो नीड टू डेवलप सेल्फ नोट्स विथ योर क्लास नोट्स यू विल डेवलप योर सेल्फ नोट विशाल राइट सो सेल्फ नोट्स यू राइट You should not think about it with class notes. You have to develop it. You can develop it. Bilkul bilkul. MA wala to very it depends. It depends. Yes yes. When you prepare optional, it will be helpful in any exam, UGC NET or any exam. I told you An Anamika that NCRT old one is better for optional. एमसीआर न्यू वन इज बेटर फॉर जीएस बिकॉज इट कंटेन्स राइट मोर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑल्सो बच्चे लगभग सात महीने लगते हैं सेवन मंथ्स मिनिमम सेवन मंथ्स लगते हैं उससे दस बीस दिन ज्यादा ही कम नहीं आर्यन ऑप्शनल को एक कोर्स करने में लगभग सात बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है बच्चे राइट right, आराम से करने में लगभग सात महीने लग जाते हैं कोई छोटा ऑप्शनल है तो छह महीने लगते हैं लेकिन जनरली हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लगता है कोई बच्चे बात नहीं अगर आपके पास ओल्ड एनसीआरटी नहीं है तो इट इज अवेलेबल। इट इज अवेलेबल ऑन राइट एनसीआरटी राइट वेबसाइट ऑल्सो ठीक उपेंद्र सिंह इज गुड ओके फाइन सो दिस इज ओके तो आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर राइट तमिलनाडु बोर्ड इज बेटर ऑर्गेनाइज तमिलनाडु बोर्ड इज बेटर ऑर्गेनाइज बट इट इज मोर यूजफुल फॉर जनरल स्टडीज है ना हर्स तमिलनाडु बोर्ड बहुत अच्छी है ऑर्गेनाइज है लेकिन जनरल स्टडीज के लिए ज्यादा यूजफुल है ऑप्शनल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हाँ किसी किसी एरिया में यूज करते हैं उसको सपोज साउथ इंडियन हिस्ट्री राइट वी हैव टू यूज इट सपोज संगम पीरियड राइट विजयनगर पीरियड वी विल बी यूजिंग इट तमिलनाडु टेक्सट ऑल्स चलो ठीक है यहां तक ठीक है मामला राइट राइट नाउ डीएन झा डीएन झा इज ए गुड बट आई टोल्ड यू दैट डीएन झा अगर उपेंद्र सिंह और डीएन झा तो उपेंद्र सिंह डीएन झा इज नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चे डीएनझा इज गुड बट उपिंदर सिंह इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव है ना अगर डीएनझा ना भी करें तो भी चलेगा अगर उपिंदर सिंह ना करें तो नहीं चलेगा है ना बच्चे सो देयर फोर आई सेड यू मेक इट ईजी मेक इट सिंपल एनसीआरटी क्लास नोट्स इन क्लास नोट्स इग्नोर वुड बी इंक्लूडेड सम मोर टेक्स्ट वुड बी इंक्लूडेड एंड देन उपिंदर सिंह एज ए रेफरेंस बुक दैट्स सेवन मंथस इज ए बिग टाइम बट फॉर ऑप्शनल कुछ चैप्टर आता है आर्ट एंड कल्चर का भी आता है राइट right? अभी नहीं लेना होगा बच्चे अभी नहीं लेना होगा हिस्टोरिकल एटलस एंड ऑल ठीक है चलेगा राइट सो नाइस ऑफ यू की यू आर आस्किंग योर डाउट्स राइट अभी हिस्टोरिकल एटलस अभी नहीं लेना होगा राइट देर इज नो नीड फॉर दैट हम लोग पहले राइट थोड़ा बेस बनाएंगे देन वी विल बी यूजिंग हिस्टोरिकल एटलस इज दैट फाइन आई होप आई मेड द पॉइंट वेरी क्लियर अगर आपके पास कोई बुक ऑलरेडी है राइट रिसेंट इज़ इंक्लूडेड इन उपेंद्र सिंह राइट यादवेंद्र प्रतीक रिसेंट रिसर्चेज दे आर इंक्लूडेड इन उपेंद्र सिंह राइट यू डोंट नीड राइट अपडेटेड रिसर्च यस न्यूज पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टूडे इन हिंदू यू हैव ए गुड आर्टिकल ऑन नालंदा है ना बच्चे प्रतीक आज के हिंदू में हमारे पास एक आर्टिकल अच्छे है, अच्छा है थोरॉली नहीं, नहीं. पढ़ना पड़ेगा उपेंद्र सिंह उसको रेफरेंस बुक मैंने बताया सिमरन उसको रेफरेंस बुक की तरह यूज करना पड़ेगा है ना मतलब किस किस टॉपिक पे आपको देखना पड़ेगा इज इट फाइन आपको न्यूज पेपर देखते रहना होगा सपोज आज के न्यूज पेपर में राइट right? आज के न्यूज पेपर में बच्चे नालंदा पे एक आर्टिकल है तो आपको पढ़ना होगा आपने ऑप्शनल चूज किया है करने वाले हैं तो उसी तरीके से राइट right? आपको अपडेटेड रहना होगा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी अपडेटेड रहना पड़ेगा ताकि यू कैन ऐड सम मोर कंटेंट अदरवाइज तो फॉर रिसेंट रिसर्च फॉर एंसियंट इंडिया अर्ली मिडेबल इंडिया उपिंदर सिंह इज एनफीक है चलो आगे चलते बच्चे वेन यू सी दिलेबस ऑफ एंशियंट इंडिया यू हैव दीज ट्वेल्व टॉपिक्स यू हैव दीज ट्वेल्व टॉपिक्स एज ए सिलेबस राइट मैंने राइट जब सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि देर आर ट्वेल्व टॉपिक्स इन एंशियट इंडिया सो दीज आर राइट सम टॉपिक्स ऑफ इंडिया, सो इट इज समी ऑर्गेनाइज्ड बट इन क्लासेस वी वी री ऑर्गेनाइजिंग इट स्लाइटली वी वुड बी टेकिंग साउथ सेपरेटली राइट तो एंशियंट इंडिया का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत नॉर्मल सिलेबस है बच्चे जब शुरुआती दिनों में एंशियंट इंडिया पे किताब लिखी जाती थी तो एंशियंट इंडिया शुरू होता था वैदिक एज से फर्स्ट चैप्टर वॉज वैदिक एज कमिंग ऑफ आर्यंस एंड वैदिक एज इट्स ए डिबेटेबल थिंग आर्यन कमिंग एंड वैदिक एज दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर इनिशियली

ना पुरानी किताब पढ़ते हैं हम सपोज आरसी मजुमदार या कोई भी किताब तो हम देखते हैं कि एंसियंट इंडिया की शुरुआत होती है वैदिक एज से क्योंकि इंडस वैली के बारे में हमें पता ही नहीं था नाइनटीन ट्वेंटीज में हरप्पा एंड मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड एंड इट वॉज कंसिडर्ड एन अर्बन सिविलाइजेशन राइट सो दिस बिकेम द चैप्टर नंबर वन एंड देन you will see that again the research started that how all of a sudden urban all of a sudden urban to ho nahi sakta hai what is the background then we started developing what you call prehistory prehistory so we will try to link how evolution of hominid and gradually how rural culture how hunter gatherer how rural culture how gradually urban culture this continuity we started working and then the first chapter became prehistory but for your optional we have right one more chapter before prehistory this is called sources so for our history optional hamara chapter number 1 hoga sources our chapter number 2 hoga prehistory हमारा चैप्टर नंबर थ्री होगा प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन देन हमारा चैप्टर नंबर फोर होगा राइट वैदिक एज लाइक दिस वी हैव टू मूव है ना बच्चे आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैंने बताया आपको कि शुरुआती दिनों में वैदिक एज से हमारी एंशेंट इंडिया की कहानी शुरू होती थी जब आप बहुत पुराने किताब देखेंगे ना तो हमारी एंशिएंट इंडिया की कहानी वैदिक एज से शुरू होती थी लेकिन 1920s में एक अर्बन सिविलाइजेशन डिस्कवर हो गया आप सबको पता होगा है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन इसने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को चेंज कर दिया तो जब एंशिएंट हिस्ट्री को चेंज कर दिया तो ये चैप्टर पहला चैप्टर हो गया लेकिन फिर से क्वेश्चन होने लगा बच्चे कि अर्बन सिविलाइजेशन एकाएक कैसे आ गया है ना अगर किसी को कहा जाए कि हमारी कहानी शुरू होती है अर्बन सिविलाइजेशन से तो बोलेगा पागल हो गए हो एकाएक आप अर्बन हो गए अर्बन कैसे हो गए क्या ये मेसोपोटामिया का एक्सटेंशन है आपने कहा नहीं नहीं ये मेसोपोटामिया का एक्सटेंशन नहीं है ये हमारा सिविलाइजेशन है तो एकाएक अर्बन तो नहीं हुए हो कोई पीछे का बैकग्राउंड होगा खोजो बैकग्राउंड फिर हम लोग काम करने लगे है ना बच्चे हम लोग फिर काम करने लगे कि हमारे यहां स्टोन एज था कि नहीं था क्या हमारे यहां राइट नियंडरथल मिलता है होमो इरेक्टस मिलता है क्या हमारे यहां पैलोलिथिक एज का कोई एग्जाम्पल है क्या हमारे यहां मेसोलिथिक एज का कोई एग्जाम्पल है न्यूलिथिक एज है तो हम वर्क करने लगे और इससे एक और चैप्टर ऐड हो गया प्रियंका उस चैप्टर का नाम था प्री हिस्ट्री तो हम प्री हिस्ट्री भी पढ़ेंगे लेकिन हमारे ऑप्शनल में तो जीएस में आप शुरुआत करते हो प्री हिस्ट्री से करते हो ना बच्चे जीएस की कहानी आप शुरू करते हो प्री हिस्ट्री से जब आप जीएस पढ़ते हो तो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो प्री हिस्ट्री से है ना होमिनी डिवॉल्यूशन पैलियोलिथिक एज मेजोलिथिक एज है ना जीएस में ऐसा करते हैं ना बच्चे लेकिन ऑप्शनल के लिए हम उससे पहले कुछ डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा हमारा सोर्सेस का फिर हम आएंगे प्री हिस्ट्री पर तो हमारा पहला चैप्टर होगा सोर्सेस फिर प्री हिस्ट्री फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर हम वैदिक एज की बात करेंगे इसको हम लोग दो भागों में बांट देंगे अर्ली वैदिक एज राइट टिल वन थाउजेंड एंड फिर लेटर वैदिक एज अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे एज ऑफ महाजनपदाज में एज ऑफ महाजनपदाज में है ना बच्चे इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य की मौर्यन एम्पायर की इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर की इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुप्ता पीरियड की राइट right. और फिर उसके बाद हम लोग साउथ इंडियन डेवलपमेंट को भी देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साउथ भी देखेंगे कि साउथ में क्या चल रहा था मेगालिथिक क्या होता है संगमेज क्या होता है फिर हम लोग पल्लव और चालुक्य की बात करेंगे है ना बच्चे तो हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे सिलेबस को आपने जीएस में भी अगर आपने किया है तो आपको पता होगा जीएस में भी हम लोग लगभग सेम अप्रोच फॉलो करते हैं है ना सेम तरीका फॉलो करते हैं तो इस तरीके से हमारा सिलेबस भी इसी तरीके से बना हुआ है फाइन तो हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर होगा एंसेंट इंडिया के लिए सोर्सेस प्री हिस्ट्री इंडस वैली वैदिक एज ऑफ महाजनपदाज हियर यू विल सी इन्वेजन हियर यू विल सी डिफरेंट न्यू डेवलपमेंट सपोज ट्रेड कॉमर्स एंड ऑल देन यू हैव राइट मौर्यन then again you will see trade commerce post modian this is very important for trade commerce post modian period and then you will see guptas and gradually we will enter into early medieval age right और हम लोग south से south को अलग से focus करेंगे south बहुत important हो जाता है upsc के लिए है ना बच्चे आप सबको पता होगा कि south से कुछ ज्यादा ही प्यार है upsc को तो हम लोग मेगालिथिक को संगम एज को पल्लवाज को चालुक्याज को चालुक भी तरह तरह के चालुक्य है।, है ना प्रतीक चालुक से भी आप परेशान हो जाएंगे कभी वेंगी के कभी कल्याणी के कभी राइट वातापी चालुक्य तो तरह तरह के चालुक्य हैं फिर गुजरात के चालुक्य है।, है ना बच्चे तो हम लोग इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे ये उसी तरीके से है जैसा आप जीएस में पढ़ते हो किसी टॉपिक को पढ़ते हो है है ना उसमें बहुत अंतर नहीं है, तो आप बिल्कुल आपको नया नहीं लगेगा आपको उसी तरीके का लगेगा लेकिन अंदर में राइट चीजें कुछ नहीं होगी वो हम लोग बात करेंगे और फैक्ट्स कम होगा लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि आपको लगे कि अरे मैं तो ऑप्शनल का स्टूडेंट हूं तो इतना ही फैक्ट तो फैक्ट इतना कम भी नहीं होगा है ना बच्चे डन राइट यस हम लोग बात करेंगे राइट right? पोस्ट गुप्ता पीरियड में कि कैसे हरसा आए कैसे गुजरात में क्या डेवलपमेंट हुआ बंगाल में क्या डेवलपमेंट हुआ ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे और इन सबके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ थीम्स की अलग से बात करेंगे कुछ थीम्स की कल्चरल थीम्स, थीम्स है ना हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है थीम्स इन अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री तो हम लोग थीम्स की बात करेंगे यहां देखेंगे लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ फिलोसॉफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ तो अंत में हम थीम्स की भी बात करेंगे है ना इन सारे चैप्टर्स पे बात करेंगे फिर हम थीम्स की भी बात करेंगे अलग से थीम दिया हुआ है हमारे सिलेबस में क्या क्या थीम बात करेंगे विकास हम बात करेंगे एंसेंट no. इंडिया में लिटरेचर का कैसे डेवलपमेंट हुआ एनसेंट इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ एंसेंट इंडिया में फिलोसॉफी का कैसे डेवलपमेंट हुआ एनसेंट इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ तो हम ये सब भी बात करेंगे तो ओवरऑल सिलेबस ये है हम कहानी शुरू करेंगे सोर्सेस से फिर हम प्री हिस्ट्री में आएंगे फिर हम प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे फिर हम वैदिक एज की बात करेंगे फिर महाजनपदाज की बात करेंगे मौर्या की बात करेंगे पोस्ट मौर्या की बात करेंगे सुंग कुसान राइट right? कानव सातवाहन राइट right? फिर हम फॉरेन इन्वेजन की बात करेंगे राइट right? उसके बाद हम लोग गुप्ता की बात करेंगे फिर पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे ये बात क्लियर है आप सबको सिलेबस क्लियर है बच्चे हुए जो जीएस नहीं कर पाए अभी तक हिस्ट्री उन्हें भी सब चीजें क्लियर होनी चाहिए ना बच्चे आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने जीएस नहीं किया है तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं हो सकता समझ में तो आना होगा है ना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गलती मेरी हां इंडो ग्रीक पार्थियंस कुसानाज हम लोग उसकी भी बात करेंगे सबको समझ में आ रहा है है ना हम लोगों ने पहले बात की कि हमें क्या सजेस्टेड रीडिंग पढ़नी चाहिए हमें क्या पढ़नी चाहिए मैंने कहा एनसीआरटी क्लास नोट्स और उपेंद्र सिंह है ना ब्रीति राइट right, हम लोग क्लास के साथ नोट्स बनाएंगे यस डोंट वरी हम लोग क्लास के साथ नोट्स बनाएंगे <laughs> yes, yes, सिमरन दे also प्रोवाइड सम मटेरियल दे वुड बी गिविंग यू ए वन कंपाइल्ड मटेरियल बट यू हैव टू डिपेंड मोर ऑन क्लास नोट्स बच्चे ठीक है राइट right, सबको दो बातें समझ में आ गई कि हमें एंसेंट इंडिया के लिए क्या पढ़ना है और एंसेंट इंडिया का सिलेबस क्या है एंसेंट इंडिया का सिलेबस क्या है राइट सोर्सेस प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री वैदिक महाजनपदाज, मौर्याज पोस्ट मौर्याज गुप्ताज एंड देन थीम्स कल्चरल थीम्स साउथ इंडिया Okay, fine. Now next. Bache, Next thing is when you see optional question, suppose paper one. Optional question. You have two sections. I hope you all know this. Section A. Section A is ancient. And then you have section B. Right, this is medieval. And then you have eight questions. Ek do teen char pach saat bache? paper one. है ना बच्चे पेपर वन में दो सेक्शन है सेक्शन ए और सेक्शन बी और पेपर वन में चार क्वेश्चन होंगे आपको वन टू थ्री फोर और पेपर राइट पेपर वन के दूसरे सेक्शन में चार क्वेश्चन होंगे फाइव सिक्स सेवन एट फाइन एंड आपको लिखना कितना होगा फाइव क्वेश्चन लिखने होंगे एट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन लिखने आपने फाइव क्वेश्चन आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर फाइव इज कंपल्सरी तो दो तो आपको लिखने ही लिखने हैं देन यू कैन चूज थ्री मोर इफ एंशंट इंडिया इज राइट नो टोटली कंप्लीट यू कैन सेलेक्ट टू थ्री फोर और सिक्स सेवन एट ठीक है ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है हमारे यूपीएससी में बच्चे ये जानना जरूरी है हम लोग जब हम शुरू करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और एंसेंट में तो जानना और जरूरी है क्योंकि एनशेंट में एक चीज स्पेशल होती है एक चीज नया होता है तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो चार क्वेश्चन एंसेंट के चार मिडेबल के आपको आठ क्वेश्चन में पांच लिखना है आप तीन छोड़ सकते हो इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो तो आप उसको छोड़ सकते हो आप चूज कर सकते हो राइट नो वी विल बी डूइंग वर्ल्ड हिस्ट्री एन द एंड यस वी विल बी डूइंग वर्ल्ड हिस्ट्री एन द एंड राइट इन सम बैचेज वी स्टार्ट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री यस है ना बच्चे तो कुछ बैचेज में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू करते हैं बट दिस बैच जनरली वी स्टार्ट राइट फ्रॉम एंसियट इंडिया डन तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे अंत में करेंगे ठीक है यस फाइन आई टोल्ड यू द्वेश्चन फ्रॉम एंसियंट एंड फोर फ्रॉम मेडेबल एंड क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज मैंडेड नाउ कमिंग टू फोर क्वेश्चन ऑफ एंशियंट इंडिया बच्चे विकास हाँ, इसका मतलब है कि दो क्वेश्चन तो कंपलसरी है आपको करना है ना बच्चे डन <laughs> इसके अलावा अगर आपका एंसेंट अच्छा है तो आप ज्यादा क्वेश्चन एंसेंट से कर सकते हो अगर आपका मिडेवल अच्छा है तो आप ज्यादा क्वेश्चन मिडेवल से कर सकते हो है ना बच्चे पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है आपको कहोगे कि ये तो बहुत आसान है नहीं बच्चे जरा देखो जो पहला क्वेश्चन होता है वो राइट right, इसमें ट्वेंटी साइट्स दिए हुए रहते हैं ट्वेंटी साइट्स दिए गए रहते हैं आपको इनके बारे में लिखना होता है रिकॉग्नाइज करना होता है और लिखना होता है क्वेश्चन नंबर टू के भी तीन क्वेश्चन होते हैं ए बी सी इसी तरीके से ए बी सी ए बी सी सपोज पहला क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का मतलब टोटल ये क्वेश्चन भी फिफ्टी मार्क्स का ये क्वेश्चन भी फिफ्टी मार्क्स का तो हर एक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और पहला कंपलसरी क्वेश्चन में मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें ट्वेंटी साइट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है और फिफ्टी मार्क्स का वो होता है और दूसरे क्वेश्चन में या तीसरे में या चौथे में तीन क्वेश्चन होते हैं बच्चे ए बी सी पहला क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन होता है तो सपोज अगर मैं एंशियंट इंडिया की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और फिर मैंने कहा कि टू में भी ए बी सी थ्री में भी ए बी और सी फोर में भी ए बी और सी और पहला क्वेश्चन मैप वाला क्वेश्चन होता है मैप बेस्ट क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स का होता है ना बच्चे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड देन यू हैव टू चूज राइट टू थ्री और फोर आप तीनों में से कोई चुन लो या बाकी तीनों लिख दो बच्चे चैलेंज ये होता है कि टू का ए सपोज ये हरप्पा से होगा टू का बी गुप्ता से होगा टू का सी सपोज संगम से होगा बच्चे ये बात समझ रहे हो चैलेंज समझो जरा मैं शुरुआत में ही आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या चैलेंज होगा आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगर सपोज आपने गुप्ता नहीं प्रिपेयर किया तो क्वेश्चन नंबर टू में ए तो जानोगे आप सी तो जानोगे बी तो जानते नहीं तो सेकेंड नहीं कर पाओगे उसी तरीके से थर्ड फोर्थ इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन होते हैं कोई एक लॉन्ग कोई दूसरा शॉर्ट लेकिन हर एक टॉपिक से होता है सब टॉपिक से होता है सपोज को ए ये ट्वेंटी मार्क्स का होता है मीनिंग यू हैव टू राइट टू फिफ्टी वर्ड्स ये सपोज फिफ्टीन मार्क्स का होता है मीनिंग यू हैव टू राइट टू हंड्रेड वर्ड्स इज दिस क्लियर बच्चे आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आई एम हाईलाइटिंग ऑल दिस सो दैट यू कैन अप्रिसिएट हाउ वी हैव टू प्रिपेयर यू कैनोट इग्नोर एनी एरिया अगर आपने कोई एरिया इग्नोर किया हुआ है अगर वहां से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो खेल खराब हो जाएगा क्या प्रंजल खेल खराब हो जाएगा बच्चे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है।, है ना बच्चे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा राइट right. अगर कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन किसी में आ गया तो आपका पूरा खेल खराब कर देगा इट कैन राइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर राइट यू नो एग्जामिनेशन सो हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर टू वुड बी फ्रॉम इंडस वैली क्वेश्चन नंबर थ्री वुड बी फ्रॉम वन चैप्टर नो एबीसी थ्री डिफरेंट क्वेश्चन नाउ रियल गेम इज दिस मैप बेस्ट क्वेश्चन दिस इज द रियल गेम है ना बच्चे आपको एक मैप दिया होगा राइट ट्वेंटी साइड दिए होंगे और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा जरा मैं दिखाता हूं बच्चे जरा देखो इसको राइट दिस दिस थ्री इज ओके आर यू गेटिंग इट टू थ्री फोर नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन अंडरस्टैंड द चैलेंज पहले ही चैलेंज समझ लेते हैं ताकि मजा आए आगे काम करने में चैलेंज समझ में आएगी तो काम करने में मजा आएगा आपको यह बात पता चलेगा कि कैसे करना है क्या करना है ठीक जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन कैसा होता है क्वेश्चन नंबर वन में बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपको ये साइट देंगे नहीं मिलेगा आशा अब जरा देखते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन जरा देखते हैं बच्चे मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है सपोज एक मैप दिया होगा देख रहे हो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये मैप दिया हुआ है आप देख रहे हो बच्चे आपको दिख रहा है वन टू थ्री फोर दिख रहा है बच्चे वन है यहां टू है यहां थ्री फोर आपको राइट right, इस तरीके से ट्वेंटी साइट होंगे कितने साइड होंगे बच्चे ट्वेंटी साइड होंगे ट्वेंटी साइट्स होंगे आपको रिकॉग्नाइज करना है सपोज वन में मैंने एग्जाम्पल लिया है हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे आपको हिंट दिय, दिया जाएगा आपको हिंट दिया जाएगा सपोज वन ये पैलोलिथिक साइट है आपको रिकॉग्नाइज करना है है ना बच्चे आपको रिकॉग्नाइज करना है वन पेलोलिथिक साइट है आपको रिकॉग्नाइज करना है आप कहोगे कि सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा हार्ड हो जाएगा ये तो हमसे क्या नहीं होगा लेकिन जब आप पैल्योलिथिक जब आप पैल्योलिथिक प्रिपेयर करते हो है ना यस जब आप पैलोलिथिक प्रिपेयर करते हो बच्चे तो आप प्रिपेयर करते हो कि पैलोलिथिक राजस्थान में कौन सा साइट है राइट पैलोलिथिक सपोज साउथ में कौन सा साइट है नॉर्थ वेस्ट में कौन सा साइट है तो दे विल गिव यू ए हिंट हिंट दे विल गिव यू दैट दिस साइट इज ए पैलोलिथिक साइट अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है कि राजस्थान में एक ही इंपॉर्टेंट पैलोलिथिक साइट है जानते हो आप आपने जीएस में भी किया होगा आपने जीएस में भी किया होगा तो आप इजीली गेस कर लोगे अगर आपको पता है कि एक ही साइट है राजस्थान में राजस्थान में इनाम गांव तो महाराष्ट्र में है अनिस राजस्थान में एक ही पैलोथिक साइट है कौन सा है वो पैलोथिक साइट अगर आपको पता होता है कि राजस्थान का यह साइट है यह राजस्थान है ना वन अगर आपको यह पता होता है नहीं नहीं कालीबंगा तो पन साइट है पैलियोलिथिक साइट अगर इतना पता हो कि हां बिल्कुल तो राजस्थान में कौन सा पैलियोलिथिक साइट है अगर आपको पता हो तो तो आप केवल यह देखोगे कि यह राजस्थान में है ये वेस्टर्न राजस्थान में है, है ना ये जो प्लेस है पेलोलिथिक साइट का यह नागौर डिस्ट्रिक्ट में है अगर आपको पता हो कि राजस्थान में ये जो एरिया है ये नागौर का है इसका मतलब ये दिदवाना होगा आई होप यू आर गेटिंग इट राइट बागोर इज मोर इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट सुभाष बागोर इज मेसोलिथिक साइट ज्ञानेश्वर इज चालकोलिथिक साइट शिवानी हुंसगी तो साउथ में है बच्चे कुनाल करेक्ट आदर्श लंगनाज तो गुजरात में है मेरी बात समझ में आ रही है जरा ध्यान से मेरी बात सुनो अगर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो अगर हमें पता रहे कि राजस्थान के नागौर में यह साइट है राजस्थान के जोधपुर में यह साइट है और अगर आपने मैप में यह पहचान लिया कि यह राजस्थान का नागौर इलाका है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यह दिदवाना होगा यस और नो बच्चे अगर आप जब प्रिपेयर करते हो इंडस वैली या पेलोलिथिक या मेसोलिथिक हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान में इस डिस्ट्रिक्ट में यह साइट है इस डिस्ट्रिक्ट में यह साइट है तो जब आप देखोगे राजस्थान का ये तो राजस्थान है ये तो क्लियर है ना पहला पहला काम तो ये है कि पता होना चाहिए कि ये राजस्थान है राजस्थान में ये जयपुर के वेस्ट में है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है तो नागौर में कौन सा इलाका है जो पैरोलिथिक है दिदवाना तो दिदवाना लिख दो सपोज दो है तो दो लिख दो एंड देन यू हैव टू राइट थर्टी वर्ड्स ऑन देम देन यू हैव टू राइट थर्टी वर्ड्स ऑन देम अरे मेरी बात समझ में आ रही है इतना टफ नहीं है जितना टफ आपको लगता है नहीं बच्चे ऑप्शनल पढ़ने के बाद जीएस थोड़ा इजी हो जाएगा लेकिन ऑप्शनल का अप्रोच अलग होगा करण ऑप्शनल का अप्रोच अलग होगा इज दिस क्लियर बच्चे यस जनरली दे आस्क पॉलिटिकल मैप जनरली दे आस्क स्टेट बेस्ट इनिशियली आज से चार साल पहले दे यूज टू गिव प्लेन मैप प्लेन मैप देते थे बट नाउ दे आर गिविंग पॉलिटिकल मैप आई होप यू आर गेटिंग इट मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझो मैं कह रहा हूं कि सपोज वेन यू प्रिपेयर एनी टॉपिक एनी थीम सपोज राइट मेसोलिथिक

और किस डिस्ट्रिक्ट में है तो हम मैप को देख के पहचान लेंगे क्या पहचान लेंगे कि नहीं बच्चे पहचान लेंगे हम कि ये राजस्थान में है ये जोधपुर के बगल में है तो ये साइट होगा ये जयपुर के बगल में है तो ये साइट होगा तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है हमें दो चीजें प्रैक्टिस करनी होती है एक हम पहचान पाए कि ये स्टेट राजस्थान है दूसरा हम पहचान पाए कि ये राजस्थान का ये डिस्ट्रिक्ट यहां पर है राइट right? है ना अनुज हमें ये प्रैक्टिस करना होगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा हर एक थीम में हम मैप को प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज है ना तो जहां आप देखेंगे सपोज आप सब जानते हो आप सब जानते हो न्यूलिथिक साइट नॉर्थ वेस्ट में या कश्मीर का कोई न्यूलिथिक साइट बताओ कश्मीर का कोई न्यूलिथिक साइट बताओ जो आप जानते हो <laughs> कश्मीर का कोई न्यूलिथिक साइट बता दो जो आप जानते हो कभी सुना हो कश्मीर का कोई न्यूलिथिक साइट बताओ तो जरा जरा मैं देखूं कौन कौन जीएस कर चुका है कश्मीर का कोई न्यूनिथिक साइट बताओ बिल्कुल बिल्कुल देखो सब जानते हो आप बुर्जा हो बुर्जा हुँ। है ना देखो सब बता रहे हो बुर्जा होम डन ग्रेट अरे ये तो बहुत ही प्यारा बैच है बुर्जा होम या गुफकर राइट बुर्जा होम सबसे पॉपुलर बुर्जा होम है रजनी नाब्या खुशी अनिरुद्ध यादवेंद्र आदर्श अरे वाह सब लोग कह रहे हैं बुर्जा होम बुर्जा होम डन तो आप सब जानते हो कि काश्मीर का एक न्योलिथिक साइट है सबसे पॉपुलर साइट है बुर्जा होम ठीक है अब जरा मुझे देखो जरा इस मैप को देखो जरा इस मैप को देखो राइट इस मैप को देखो सपोज थ्री राइट थ्री इज ए न्यूलिथिक साइट बताओ तो क्या आंसर होगा थ्री न्यूलिथिक साइट ये है थ्री न्यूलिथिक साइट क्या आंसर होगा थ्री जो है ये न्यूलिथिक साइट है क्या होगा आंसर है ना आप जानते हो कि नहीं साइट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया ना श्रीनगर के पास बुर्जा होम देखो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया क्या सुजीत आदर्श सबने रिकॉग्नाइज कर लिया बुर्जा होम अरे सबने रिकॉग्नाइज कर लिया कि नहीं कर लिया अभी तो हम लोगों ने तैयारी शुरू ही नहीं की है अभी तो हम लोगों ने शुरुआत ही नहीं की है और आप सब ने कर लिया अमन ने भी कर लिया रजनी ने भी कर लिया प्रतीक ने भी कर लिया आप सबके सब आप कह रहे हो बुर्जा होम कैसे पहचान लिया आपने ओके यस मनोब राइट राइट मनी इज रिकोगग्नाइजिंग मेहरगर ऑल्सो सी दिस इज मेहर यस करेक्ट दिस इज मेहर नॉट एक्स दिस वन फोर्थ वन फाइन फाइव सो आई होप नाउ इट इज क्लियर ये बात क्लियर है सबको कि एंसेंट इंडिया में एंसेंट इंडिया में चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन मैप बेस्ड होगा फिर क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर और मैप बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है हम लोग क्या करेंगे क्लास में हम लोग थीम्स में जब भी कोई साइट होगा हम पता करेंगे कि इसका मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कहां है और ये कहां है उस स्टेट में फाइन बच्चे, तो अगर आपको पता होता है कि गुजरात में ये मेजोलिथिक साइट है ये न्योलिथिक साइट है तो आप गेस कर लेते हो फाइन सी सी राइट सादिया ओके आ, बिल्कुल रिपीट होता है सादिया बिल्कुल रिपीट होता है साइट रिपीट भी होता है बच्चे कुछ करंट अफेयर्स के भी साइट पूछे जाते हैं सपोज अगर कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया है तो वो भी पूछा जा सकता है कुछ करंट अफेयर्स के एक दो साइट पूछे जाते हैं लेकिन आउट ऑफ ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन कैन बी डन वेरी इजीली विथ द क्लास विथ द क्लास राइट फिफ्टीन कैन बी डन वेरी इजीली बिल्कुल रिपीट होता है बच्चे और बीस में से पंद्रह तो आप क्लास के साथ कर लोगे ये मेरी गारंटी है राइट right. ये मेरी गारंटी है बच्चे हाँ हाँ ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल होते हैं बच्चे डन हर एक संडे नहीं बचे लेकिन हां संडे को टेस्ट भी हुआ करेगा हरेक संडे नहीं फाइन और जब हम लोग टॉपिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे है ना जब कोई टॉपिक हम लोग करेंगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे और संडे को आपको टेस्ट भी होगा हर एक संडे नहीं होता है शायद 15 डेज पे होता है है ना बच्चे इज दैट फाइन तो 20 में से 15 तो आप सब कर लेते हो राइट right? कर लोगे लेकिन हां अगर जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे राइट दे कैन डू 17, 18 ऑल्सो 17, 18 भी संभव है राइट एक्सेप्शनल केस में 20 आउट ऑफ 20 ओके okay, फाइन <laughs> टेस्ट होता है लेकिन टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता ओके <laughs> फाइन okay, ये बात क्लियर है कि एंशेंट इंडिया का चैलेंजिंग पार्ट होगा राइट right? एंशेंट इंडिया का चैलेंजिंग पार्ट होगा मैप लेकिन क्लास के साथ थीम बेस्ट प्रिपरेशन के साथ आउट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन कैन बी डन फिफ्टीन हम लोग आराम से कर सकते हैं हां ट्वेंटी भी पॉसिबल है इट इज पॉसिबल लेकिन राइट right, मैंने कहा ना कि <laughs> <laughs> अच्छा डन ओके okay, बच्चे तो हम लोग अपना पहला टॉपिक करेंगे एंसेंट इंडिया में सोर्सेस से हम लोग सोर्सेस से अपनी कहानी शुरू करेंगे राइट right? लेकिन आज हम लोग शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक से राइट right? ताकि आज कुछ बात करें तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा राइट डिफिकल्टीज इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशेंट इंडियन हिस्ट्री राइट सो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट हेडिंग यू कैन गिव first heading you can give difficulties so today we are starting with introductory topic it is not a part of our syllabus but for better understanding of ancient indian history we are starting with this topic called difficulties in reconstructing ancient indian histories right or ये छोटा सा एक टॉपिक करेंगे फिर हम लोग सोर्सेस की बात करेंगे बिल्कुल राइट right? हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि डिफिकल्टीज इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बच्चे एटीनथ सेंचुरी में जब ब्रिटिश यहां पर हो गए ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश होने लगा पर्टिकुलरली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी दे स्टार्टेड सर्चिंग हिस्ट्री बुक है ना बच्चे आप सबको पता होगा कि पलासी की लड़ाई के बाद सत्रह के बाद ब्रिटिश को यह बात समझ में आ गई कि अब वे यहां पर रूल कर सकते हैं दे व इंटरेस्टेड इन नोइंग आवर कल्चर नोइंग आवर राइट हिस्ट्री एन आयुष तो ब्रिटिश पता करने लगे कि हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जाननी है हमें कोई किताब चाहिए तो आप क्या रिकमेंड करोगे मेरा मेरे पॉइंट समझो जरा एटींथ सेंचुरी में आप कह लो कि सेवेंटीन सेवेंटीज में दे स्टार्टेड सर्चिंग ए हिस्ट्री बुक ए हिस्ट्री टेक्स्ट और एंशेंट इंडिया वट डू डू रिकमेंड कौन रिकमेंड करेगा जरा बताओ जरा ब्रिटिश खोज रहे हैं सेवेंटीन सेवेंटीज में 1770s सेवेंटीज में ब्रिटिश इंडियन कल्चर को इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और सेवनटीन सेवेंटीज सेवेंटीज में वे इंडियन को इंडियन हिस्ट्री को इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं वो क्या पढ़ेंगे कैसे इंडियन हिस्ट्री जान पाएंगे वैदिक टेक्स्ट स्मृति टेक्स्ट महाभारता रामायण whether all this book is history book accounts of travelers whether it was available for them are koi right koi 500 pages ki book batao 500 pages ki jo वो पढ़ लें और पूरी history को समझ जाएं, history समझ जाएं। वेदाज टू नो हिस्ट्री दे विल हैव टू रीड रिग वेदा सामवेदा पागल हो जाएंगे वो आदर्श पाली टेक्स पढ़ने के लिए बोल रहे हो उनको वो हिस्ट्री समझ पाएंगे या बुद्धिज्म समझ जाएंगे क्या यादवेंद्र अरे कुछ ऐसा बताओ फाइव हंड्रेड पेजेस का जो वो पढ़ लें और हिस्ट्री समझ जाए एटीन सेंचुरी में इंस्क्रिप्शन पढ़ने लगेंगे अर्थशास्त्र पढ़ने लगेंगे वेद पढ़ने लगेंगे उपनिषद पढ़ने लगेंगे रामायण पढ़ने लगेंगे पागल हो जाएंगे बच्चे आप उनको पागल कर रहे हो अरे कुछ ऐसा बताओ अभिज्ञान शाकुंतलम आर एस <laughs> आर एस शर्मा <laughs> राइट आप कहोगे कि गूगल कर लेंगे शिलालेख पढ़ लेंगे मनुस्मृति पढ़ लेंगे नहीं बच्चे राइट कोई भी ऐसी किताब उनके पास अवेलेबल नहीं थी राइट right, कोई भी ऐसी किताब अवेलेबल नहीं थी जिससे वो एंशियंट हिस्ट्री समझ पाए राजतरंगिनी दे कैन लर्न ओनली कश्मीर हिस्ट्री यस yes. है ना बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अगर मैं कहूं आपको वेद पढ़ना पड़ेगा स्मृति पढ़ना पड़ेगा बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा अभिधम पिटक पढ़ना पड़ेगा त्रिष्ठी सलाखा पुराण पढ़ना पड़ेगा आप कहोगे नहीं लेना है हिस्ट्री है ना बच्चे तो एटीन सेंचुरी में कोई इंडियन हिस्ट्री जानना चाह रहा है एंसेंट हिस्ट्री जानना चाह रहा है आप उसको कह रहे हो बेदा पढ़ लो उपनिषदा पढ़ लो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ लो भाग जाएगा वो यस नो कंक्रीट रिसोर्स आप कहोगे आर्क्योलॉजिकल रिसर्च कर लो खुदाई कर लो अरे भाग जाएगा पागल हो जाएगा सो दे केम टू नो बच्चे दे केम टू नो दैट देर वॉज नो हिस्ट्री टेक्स्ट दे केम टू नो दैट देर वॉज नो हिस्ट्री टेक्सट Available, नो no हिस्ट्री text available, है hey ना no, बच्चे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस हैड नो हिस्टोरिकल सेंस उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस हैड नो हिस्टोरिकल सेंस राइट राइट नाभ्या सही है अगर हिस्ट वो भाग जाते तो अच्छा ही होता नहीं बच्चे दे स्टार्टेड सेइंग दैट इंडियंस दे हैड नो हिस्टोरिकल सेंस उनके पास हिस्ट्री का कोई सेंस नहीं था इवन इन ट्वेल्थ सेंचुरी अल बेरूनी है ना बच्चे अल बेरुनी भी ये कहते थे अल बेरुनी ऑल्सो सेड दैट इंडियंस हैड नो हिस्टोरिकल सेंस है ना अल बेरुनी ने भी ये बात कही थी ट्वेल्थ सेंचुरी में ही कि इंडियंस के पास हिस्टोरिकल कॉन्सियसनेस नहीं था इंडियंस के पास एंशियंट इंडिया में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक नहीं थी यूरोपियंस भी कहने लगे कि हिस्टोरिकल सेंस नहीं है तो यह बात कितनी सही है क्या हम ये बात मान लें क्या बच्चे क्या यह बात मान लें हम कि इंडियंस के पास हिस्टोरिकल सेंस नहीं है नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे हम कैसे मानेंगे बच्चे रोमिला थापर ने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास भी हिस्टोरिकल सेंस था हमारा हिस्टोरिकल सेंस अलग था रोमिला थापर टॉक्ड अबाउट इतिहास पुरान ट्रेडिशन इतिहास पुरान ट्रेडिशन हैव यू हर्ड अबाउट इट रोमिला थापर ने कहा कि यह बात सही है कि यूरोपियन वाली हिस्ट्री हमारे पास नहीं है लेकिन हमारी हिस्ट्री अलग थी और वो जो हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है उसको क्या बोली रोमिला थापर इतिहास पुरान ट्रेडिशन हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इतिहास पुरान ट्रेडिशन अभी केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री नहीं थी लेकिन हाँ हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन यूरोपियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से अलग थी यह बात क्लियर है अरे ये बात क्लियर है हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन यूरोपियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से अलग थी अलग थी डिफरेंट थी लेकिन हमारे पास भी हिस्ट्री थी इसलिए अगर कोई कहता है कि इंडियंस लैक्ट हिस्टोरिकल सेंस वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है पार्शली करेक्ट है बिकॉज आवर हिस्टोरिकल सेंस वॉज डिफरेंट आई विल डिस्कस दिस वट इज कॉल्ड इतिहास पुरान ट्रेडिशन लेटर यस yes, इतिहास पुरान ट्रेडिशन लेकिन यह बात तो हकीकत है कि सबसे पहली प्रॉब्लम है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए कि हमारे पास कोई कंटेम्प्ररी हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है यह बात तो सही है लेकिन हां अगर कोई बोले कि एंशियंट इंडिया में हिस्टोरिकल सेंस था ही नहीं हम नहीं मानने वाले हैं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे है ना बच्चे हम लोग बात करेंगे हम लोग इस बात को उठाएंगे कि रोमिला थापर ने कैसे बताया अबाउट इतिहास पुरान ट्रेडिशन ये बात हम लोग बाद में समझेंगे ठीक है तो पहली पहला प्रॉब्लम क्या है हमारे पास डिफिकल्टी इन रिकंस्ट्रक्टिंग एनशियट इंडियन हिस्ट्री तो लिखेंगे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चे पहली डिफिकल्टी है हमारी पहली डिफिकल्टी है इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री दैट देर इज नो कंटेम्प्ररी हिस्टोरिकल टेक्स्ट नो कंटेम्पोर हिस्टोरिकल टेक्स्ट नो कंटेम्प्ररी हिस्टोरिकल टेक्स्ट इज दट फाइन तो ये बात तो क्लियर है लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे आयुष की वी हैव नो हिस्टोरिकल सेंस नहीं नहीं वो तो गलत हो जाएगा वो तो गलत हो जाएगा ये नहीं बोलेंगे लेकिन ये बात सही है कि कंटेम्प्री हिस्टोरिकल टेक्स्ट हमारे पास नहीं थी परफेक्ट हिस्ट्री हमारे पास नहीं थी ये बात हमारी पहली दिक्कत है जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी पहली दिक्कत है कि हमारे पास परफेक्ट हिस्ट्री नहीं है हमारे पास हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है राइट right? हमारे पास हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है You can mention that we lacked history like European history. We lacked history like European history. Right? So, no Herodotus in ancient India. No Herodotus, Greek historian called father of history in ancient India. No Herodotus in ancient India. No Livy in ancient India. No Livy in ancient India. Who was Herodotus, Greek historian? Who was Livy, Roman historian? Herodotus is called father of history. So, one thing. हमें पता चला कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहली दिक्कत हमें यह आती है कि हमारे पास यूरोप जैसी हिस्ट्री नहीं है जैसा यूरोप में हिस्ट्री अवेलेबल था वैसी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमें हिस्ट्री निकालनी होती है सो so, अगर कोई बोले कि एंसियंट इंडिया में शिवम अगर कोई बोले बच्चे कि एनशियंट इंडिया में कोई हेरोडोटस नहीं था कोई लीवी नहीं था तो आप बोलोगे हां एंसंट इंडिया में हेरोडोटस नहीं था लीवी नहीं था है ना बच्चे सो ये बात करेक्ट है ये बात करेक्ट है लेकिन हमारे पास भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन थी हमारे पास भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन थी ठीक so herodotus is called father of history <laughs> right now the second point second point second problem of reconstructing second difficulty in reconstructing second difficulty in reconstructing ancient indian history is वी हैव स्कैटर्ड सोर्सेस वी हैव स्कैटर्ड सोर्सेस है ना बच्चे तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी एंशेंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में हमें होता है लीवी वॉज ए रोमन हिस्टोरियन यादवेंद्र हेरोडोटस वॉज ए ग्रीक हिस्टोरियन लीवी वॉज ए रोमन हिस्टोरियन तो अनफॉर्चुनेटली इन एंशंट इंडिया हमारे पास हेरोडोटस नहीं है लीवी नहीं है लेकिन हाँ अर्ली मिडेबल इंडिया में वी हैव कलहन है ना अर्ली मिडेबल इंडिया में हमारे पास कलहन तो है ही इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन कलहन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन बट दैट इज इन अर्ली मिडेबल इंडिया दैट फाइन यादवेंद्र बच्चे दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है स्कैटर्ड सोर्सेस स्कैटर्ड सोर्सेस इसका क्या मतलब हुआ अगर हमारे पास कोई सोर्स है भी तो किसी चीज के बारे में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है है ना बच्चे स्कैटर्ड है सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में पता करते हैं तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि ही वॉज ए मिलिट्री मैन है ना बच्चे तो समुद्र गुप्त के बारे में पता करना है तो हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ही वॉज ए मिलिट्री मैन ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन है ना आप जानते होंगे ना लेकिन क्वाइन बताता है राइट right? क्वाइन बताता है कि ही वॉज ए वीना प्लेयर राइट तो हमें एक चीज को जानने के लिए अलग अलग सोर्स का यूज करना पड़ता है है ना प्रांजल हमें एक चीज को जानने के लिए अलग अलग चीजों को यूज करना पड़ता है प्रांजल समझ रहे हो मेरी बात अभी नहीं समझ रहे हो मेरी बात हमें कोई एक चीज को जानने के लिए कभी आर्कियोलॉजी, कभी लिटरेचर कभी क्वाइन कभी कुछ कभी कुछ स्कैटर्ड सोर्सेस को जमा करना पड़ता है तब हमें जाके इंफॉर्मेशन मिलती है है ना कभी एक इंफॉर्मेशन मिला ग्रीक सोर्सेस से एक इंफॉर्मेशन मिला संस्कृत सोर्स से स्कैटर्ड है हमें किसी एक चीज को जानने के लिए अलग अलग चीजों को जोड़ना पड़ता है है ना बच्चे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं एंशेंट इंडिया में कि कई तरह के सोर्सेस को यूज करना पड़ता है स्कैटर्ड राइट right? अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हैं एंड देन सम ऑफ द सोर्सेस, राइट जो कुछ है वो खत्म हो चुका है वो खराब हो चुका है Right. So some materials they have destroyed. Materials, which materials destroyed? Hoge materials destroyed. So it creates more problem. Right. Isi point me you can add that materials destroyed with the passage of time. a harsh materials destroyed with the passage of time. है ना अगर सपोज कहीं पे परा हुआ था कोई मैनुस्क्रिप्ट तो उसको कीड़ा खा गया या वो बारिश के कारण से खत्म हो गया या मिट्टी के कारण से खत्म हो गया या उसको लोग एप्रिशिएट नहीं कर पाए लोगों ने फेंक दिया है ना बच्चे सपोज पाम लीफ पे या कहीं और अगर मैनुस्क्रिप्ट मिला हुआ है वो हम बचा नहीं पाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है भी जो बचा हुआ है स्कैटर्ड है वो खराब स्थिति में है खराब हो गया है कॉइन्स खराब हो चुका है बहुत सारा क्वाइंस हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो स्कैटर्ड सोर्सेस है और बहुत सारे मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं राइट वो पूरे अवेलेबल नहीं है दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम यस और नो बचे ये बात सही है कि नहीं बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट खराब हो गए है ना हम लोग उसको समझ नहीं पाए प्रिजर्व नहीं कर पाए बहुत सारे मेन्यूस्क्रिप्ट लेके चला गया हुएन सांग नाबिया अरे फाहियान लेके चला गया सांग लेके चला गया हम लोग बात करेंगे बच्चे है ना तो बहुत सारे मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड हो गए कोई लेके चला हो गया हमारे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है स्कैटर्ड है बहुत दिक्कत होती है कंपाइल करने में अरे बहुत गंदा आदमी था ये सब लेके चला गया बहुत इन्वेडर हमारे सोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे हमारे यहां बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए वे डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम थी जिस कारण से हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है स्कैटर्ड रहती है राइट सोर्सेस स्कैटर्ड हैं मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं तो दिस इज वन मोर चैलेंज दिस इज वन मोर चैलेंज इज दैट फाइन राइट जनरल पॉइंट वी आर डिस्कसिंग जनरल पॉइंट वी आर डिस्कसिंग राइट कि एंशियंट इंडिया को पढ़ने में क्या क्या समस्याएं हैं क्या क्या समस्याएं नंबर थ्री नंबर थ्री बच्चे थर्ड पॉइंट वॉट एवर सोर्सेस वी हैव इट इज बायस्ड वॉट एवर सोर्सेस वी हैव इट इज बायस्ड, एग्जैगरेटेड सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रशस्तिस. है ना बच्चे फॉरन यू कैन से सोर्सेस तो है ही लेकिन जो सोर्सेस इंडियंस हैं वो बायस्ड हैं हमें प्रशस्ति मिली है हमें प्रशंसा मिली है एग्जैग्रेशन मिला है है ना अपने अपने लॉर्ड के बारे में चरित लिटरेचर में ऐसी ऐसी बातें कही गई है कि हमें संदेह होता है हमें उनको यूज करने में परेशानी होती है तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनका ओपिनियन बायस्ड है तो हम केवल उस सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हम केवल उस सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते बच्चे हैव यू हर्ड अबाउट प्रशस्ती सपोज अलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है तो बायसनेस है हो सकता है उसमें सपोज बान भट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में जो लिखा है उसमें बायसनेस हो सकती है क्योंकि वो सैलरीड इंप्लॉय था है ना बच्चे तो जो सोर्सेस है उसमें भी बायसनेस है उसमें भी बायसनेस है तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है।, है ना बच्चे देन नंबर फोर वी हैव डिफरेंट वर्सन वी हैव डिफरेंट वर्सन्स ऑफ द भर्सन्स ऑफ द सेम स्टोरी है ना बच्चे हमारे पास एक ही इवेंट के अलग अलग भर्सन है।, है ना बुद्धिस्ट लिटरेचर कुछ और कहता है जैन लिटरेचर कुछ और कहता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर उसी चीज के बारे में कुछ और कहता है यह बात समझ में आ रही है एंसेंट इंडिया में यह परेशानी भी है अशोक के बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर कुछ और कहता है बाकी लिटरेचर कुछ और कहता है मतलब हरेक लिटरेचर में राइट right, रूलर के एफिनिटी के हिसाब से रूलर के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग एनालिसिस है है ना बच्चे तो हमारे पास एक ही स्टोरी का एक ही इवेंट का एक ही स्टोरी का एक ही इवेंट का अलग अलग भर्सन है है ना बच्चे यस रामायण और महाभारत का भी बहुत भर्सन है है ना बुद्धिस्ट वर्सन है तमिल भर्सन है जैन भर्सन है तेलुगु भर्सन है तो हमारे पास एक ही कहानी के एक ही इवेंट के अलग अलग भर्सन अवेलेबल है तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एंसेंट इंडिया को लिखने में हां कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक ही स्टोरी के अलग अलग भर्सन है सभी अपने अपने भर्सन को सही बताते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है बच्चे एंसेंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने में समझ में मेरी बात आ रही है मैंने बताया हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे दैट डिफिकल्टीज इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री वट ऑल डिफिकल्टीज वी हैव वी डोंट हैव एग्जैक्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट आवर सोर्सेस आर स्कैटर्ड मटेरियल्स डिस्ट्रॉयड आवर सोर्सेस सम ऑफ द सोर्सेस आर बायस्ड दे आर इॉजिकल इन नेचर दे आर इोलॉजिकल इन नेचर देन डिफरेंट वर्सन ऑफ द सेम स्टोरी वी आर गेटिंग बुद्धिस्ट भर्सन जैन भर्सन ब्राह्मणिकल भर्सन है ना बच्चे अलग अलग भर्सन में अलग अलग स्टोरी है अलग अलग एनालिसिस है हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें किस को माने किसको नहीं माने बहुत परेशानी है बच्चे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को लिखने में ये सारी परेशानी है राइट देन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम कैन बी राइट नंबर फाइव नंबर फाइव नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी डेट्स प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी नेक्स्ट प्रॉब्लम इन एंसेंट इंडियन हिस्ट्री इज प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी वी हैव डिफरेंट डेट्स और वी हैव नो डेट्स है ना एंसेंट इंडिया को पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि क्रोनोलॉजी की प्रॉब्लम है डेट्स की प्रॉब्लम है है ना बच्चे एंशेंट इंडियंस डेट के मामले में थोड़े से गंभीर नहीं थे एंड देन In ancient India, we have example of different eras. Different eras. You have Gupta era. We have Harsa era. You have Kalchuri era. You have Saka era. यू हैव विक्रम एरा यू हैव कोल्लम एरा यू हैव नेवारी एरा है ना बच्चे तो एंशियंट इंडिया में ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है एक तो डेट्स नहीं है इसके अलावा हर एक रूलर अपनी अपनी एरा की बात करता है है ना हर एक रूलर अपने अपने एरा की बात करता है एंसेंट इंडिया में हम लोग बात करेंगे गुप्ता एरा है थ्री ट्वेंटी राइट हर्षा एरा है सिक्स जीरो सिक्स एरा है टू फोर्टी एट एडी। सका एरा है सेवेंटी एट विक्रम एरा है फिफ्टी सेवन बी सी तो दे ऑल यूज देर ओन कैलेंडर दे ऑल यूज देर ओन एरा राइट हमारे यहां टाइम का कंसेप्ट भी अलग है साइक्लिकल कॉन्सेप्ट है युगा महायुगा मनवंतर कल्प है ना अभिनय हमारे यहां जो तो टाइम का कॉन्सेप्ट है वह साइक्लिकल है युगा महायुगा मनवंतरा कल्प तो हमारे पास इतने सारे एरा हैं टाइम के लिए कंफ्यूजन है क्रोनोलॉजी मिसिंग है है ना बच्चे क्रोनोलॉजी मिसिंग है सो दिस इज ए ग्रेट चैलेंज फॉर अस ग्रेट चैलेंज फॉर अस है कि नहीं आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को मानते हो कि नहीं बच्चे सपोज केरला में कोलम एरा है नेपाल के साइड में नेवारी एरा चलता है है ना बच्चे तो एंशियंट इंडिया में इतने एरा है राइट इतना ही नहीं इसके बाद कलयुग एरा सप्तर्षी एरा लकुलिस एरा कम से कम तीस चालीस पॉपुलर एराज हैं तो हमारे पास एंशियंट इंडिया में क्रोनोलॉजी की भी दिक्कत है क्रोनोलॉजी की भी दिक्कत है ये मामला ठीक है समझ में आ रही है हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं कि एंशियंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चैलेंज है तो क्या क्या बताया मैंने अभी तक अभी तक मैंने क्या क्या बताया कौन मुझे बताएगा मुझे बताओ अभी तक मैंने क्या क्या चैलेंज बताया है नंबर वन क्या नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव क्या क्या बताया बच्चे पहले यह बताओ फिर मैं आगे बताऊंगा है ना विदु हर्ष बताओ बच्चे क्या क्या बताया क्या क्या चैलेंज है एंसेंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चैलेंज है एंसेंट इंडिया क्यों डिफिकल्ट हो गया है कंपाइल करना कंस्ट्रक्ट करना तो क्या क्या चैलेंज है सारे बताओ पहला यस विप्लब यस विशाल नो कंटेम्प्ररी सोर्स दूसरा स्कैटर्ड मटेरियल लॉस्ट तीसरा बायसनेस प्रशस्तीज चौथा डिफरेंट भर्सन्स जैना भर्सन बुद्धा भर्सन पांचवा क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम एरा डिफरेंट एरा यस परफेक्ट जबरदस्त बहुत अच्छे ओके वेल डन देखो आप सब के सब सबके सब लिख रहे हो सबको लिखना है बच्चे चुपचाप सुनना नहीं है है ना वट एवर वी आर आस्किंग आपको पार्टिसिपेट करना है है ना ऐसा नहीं कि चुपचाप सुनना है रजनी आनंद वर्षा है ना बच्चे आपको लिखना है पार्टिसिपेट करना है पॉइंट्स याद रखना है है ना कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन पॉइंट्स याद रखना है हम लोग पॉइंट क्रिएट करेंगे आपको याद रखना है आप देखो आपको अच्छा लगने लगेगा आपको याद रहने लगेगा है ना सब पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छा लग रहा है मुझे भी अच्छा लग रहा है चुपचाप बैठ नहीं जाना है केवल देखते रहना है है ना ये सुनना है कि अरे नोट्स तो मिल ही जाएगा ऐसा नहीं पार्टिसिपेट करना है बात करना है है ना अपना व्यू देना है खुद सोचना भी है तब जाके ऑप्शनल डेवलप होगा ये कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं यहां आऊं और आपको दे दू है ना आपको समझना है आपको पार्टिसिपेट करना है तो बातें करोगे ना मुझसे हां बहुत सारे एरा में प्रॉब्लम यह है कि सपोज सपोज मनोब प्रॉब्लम यह है बच्चे कि आप कह रहे हो कि जब से मैं आई एस बनू बनूंगा उसी दिन से मैं एज लिखूंगा मैं राइट टू जीरो टू फोर टू जीरो टू फाइव नहीं लिखूंगा मैं जिस दिन से आई बनूंगा मैं उस दिन से वन लिखूंगा वहीं से मेरा एज शुरू होता है तो हर एक राजा अगर अपनी कहानी अपने तरीके से कहेगा अपने एज के हिसाब से कहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा है ना तो मुझे अकेला मत छोड़ देना कि आप केवल बोलिए और हम केवल सुनेंगे राइट right. अकेला मत छोड़ देना मुझे कि आप केवल बोलिए और जाइए राइट right. जो लिखना है बोर्ड पे लिख दीजिए ऐसा नहीं होगा मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं जबरदस्ती आपसे बात करूंगा ठीक ओके फाइन तो वी टॉक्ट अबाउट फाइव प्रॉब्लम्स देन द सिक्स सिक्स गैप है ना बच्चे हमारे इंफॉर्मेशन में गैप है सपोज एक राजा हुआ सपोज एक राजा हुआ राइट right? फिर सपोज ए हुआ एक राजा हुआ फिर बी हुआ फिर गैप फिर सी हुआ राइट right? बीच में क्या हुआ हमें पता ही नहीं दो राजा के बीच की कहानी बहुत जगह गैप है दो डेनेस्टी के बीच की कहानी बहुत जगह गैप है है ना बच्चे ये ये आप फील करोगे जो जीएस पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे जो जीएस पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे बच्चे कि एंशेंट इंडिया में बहुत सारा गैप है हमें अवेलेबल ही नहीं है हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ उसके बाद अशोक के बाद क्या हुआ हम कंफ्यूज हैं कुनाल आए या दशरथ आए क्या हुआ हमें पता ही नहीं है, है ना बच्चे तो एंसियट इंडिया की अगली प्रॉब्लम है गैप आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट दो राजा के बीच में गैप दो डेनेस्टीज के बीच में गैप है ना सोर्सेस के बीच में गैप तो आपको बहुत बुरा लगेगा आपको लगेगा कि अरे सर कहानी नहीं बन रही है एक एकाएक गैप आ गया क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कहानी है ना तो एनशियंट इंडिया में दो डेनेस्टी के बीच में गैप एंड ऑफ कोर्स आपने सही कहा आपने सही कहा बच्चे कि हम लोग इस गैप के लिए यूज करते हैं डार्क एज है ना डार्क एज तो एंसेंट इंडिया में डार्क एज का भी ट्रेडिशन है एंसेंट इंडिया में डार्क एज कह देते हैं इसको जहां हमें पता नहीं होता है कुछ हम इसको कहते हैं डार्क एज लेकिन अब अब कुछ इंप्रूव हो रहा है बच्चे अब कुछ इंप्रूव हो रहा है तो अगली प्रॉब्लम है कैप डार्क एज कह देते हैं नेक्स्ट हमारे पास जहां स्क्रिप्ट मिली है जो तो स्क्रिप्ट मिली भी है हम उसको ठीक से डेसाइफर नहीं कर पा रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं सपोज हरप्पन स्क्रिप्ट सपोज ग्रंथा स्क्रिप्ट सपोज हरप्पन स्क्रिप्ट सपोज ग्रंथ स्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं है ना हम उसको प्रोटो हिस्ट्री कह दे रहे हैं है ना बच्चे तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है है ना स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, है ना बच्चे आप देखोगे न के बारे में हम बिल्कुल अभी भी कंफ्यूज हैं हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है क्योंकि स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ नहीं पा रहे नॉट डेसिफर्ड नॉट डेसीफर्ड येट है ना एक स्क्रिप्ट है गुप्ता पीरियड की ग्रंथ अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट चैलेंज then number 8 confusing names confusing names of rulers confusing names of rulers confusing names of rulers bache आप जब एंसेंट इंडिया पढ़ोगे या जीएस में पढ़ा होगा तो आप ये जानते होगे कि राजा अपना सही सही नाम नहीं बताता जैन भर्सन में उसको कुछ और कहा जाता है ग्रीक भर्सन में उसको और कहा जाता है इंस्क्रिप्शन में कुछ और कहा जाता है आप सब जानते होगे बच्चे अशोक को देवानाम पियदस्सी राजा लिखा गया है है ना अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में देवानाम पियदस्सी राजा लिखता है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोटस कहा गया है हर एक राजा अपना अलग अलग नाम लिखता है अलग अलग टाइटल लिखता है चाहे वो साउथ का हो या नॉर्थ का हो तो अलग अलग राजा का जो नाम है हिस्टोरियन को पागल बना देते हैं <laughs> राइट हिस्टोरियन को पागल बना देते हैं अच्छा ये वही था अच्छा प्रियंका वही थी जो अभी तक लिख रही थी उस नाम से है ना हमारे चैट में भी अलग अलग नाम होता है बच्चे इंडिया इंडिया बाद में पता चलता है कि ये इंडिया बाद में हिटलर हो गया है ना बाद में कुछ और हो गया नेपोलियन हो गया तो उसी तरीके से जैसे आप लोग चैट में नाम बदलते हो ना राजा उसी तरीके से नाम बदलते रहते थे पता नहीं क्या डर लगता था अलग अलग जगह पर नाम परेशान कर देते थे है ना बच्चे सब अपना नाम विक्रमादित्य रख लेते थे लो अब कर लो कौन विक्रमादित्य है ना जो थोड़ा सा तीन चार युद्ध जीता अपने आपको विक्रमादित्य ठीक है राइट <laughs> right. तो स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं ना ऑनलाइन में ऑनलाइन में जो आज सुभाष है कल वो कुछ और हो जाएगा राइट तो एंशियंट इंडिया में कंफ्यूजिंग नेम ऑफ द रूलर यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपनी लेजिटिमेसी के लिए अपनी लेजिटिमेसी के लिए वो करते रहते हैं अपना नाम चेंज करते रहते हैं हां आधार नहीं था उस समय में राइट ब्रिति परफेक्ट ब्रिटिक का कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे ब्रित कह रही है कि राइट right, आधार नहीं था उस समय में तो अपना नाम चेंज करते रहते थे राइट right. तो ज्यादा परेशान एंशियंट इंडिया के हिस्टोरियन तो बहुत परेशान होते थे है ना बच्चे लोग डरते हैं एनशियंट इंडिया से एंशेंट इंडिया से लोग डर जाते हैं कि अरे राइट कितने वर्सन एक स्टोरी का पढ़े क्या क्या नाम पढ़े क्या क्या टाइटल पढ़े तो यह भी एक समस्या रह रही राइट चलो नाइन्थ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूइंग एक्सकेवेस कॉन्टिन्यूइंग एक्सकेवेस कॉन्टिन्यूंग एक्सकेवेश बच्चे अगला चैलेंज है राइट right? अगला चैलेंज है कि रूलर का नाम तो चलो एक प्रॉब्लम है अगला चैलेंज है कि पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल जाती है पूरी की पूरी स्टोरी ही बदल जाती है एक्सकेवेशन से कोई नया एक्सकेवेशन होता है पूरी की पूरी स्टोरी बदल जाती है आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है बच्चे आपने सुना है सिनौली एक्सकेवेशन आपने सुना है बच्चे किलाडी एक्सकेवेशन सिनोली एक्सकेवेशन है ना राखी गरी एक्सकेवेशन है ना ये सारे जो एक्सकेवेशन है ये हो सकता है हमारी हिस्ट्री को ही बदल दे आने वाले दिन में किलाडी किलाड़ी बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है 2005 से किलाडी एक्सकेवेशन सिनौली के बारे में आप सबने सुना ही होगा पक्का सुना होगा राइट सिनौली एक्सकेवेशन तो राखी गरी एक्सकेभेशन भी चीजों को बदल रहा है तो नया नया जो एक्सकेवेशन होता है हमारी पूरी पूरी कंसेप्ट को ही ये चेंज कर देता है है ना मनीष पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज कर देता है जो एक्सकेवेशन होता है वो पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज कर देता है सो so, एक एक्सकेवेशन से सब कुछ बदलने लगता है सारा कंसेप्ट बदलने लगता है तो ये भी राइट दे रीराइट हिस्ट्री करेक्ट अतिरम पक्कम दे आर कोर्स एक्सकेवेशन राइट अफकोर्स हिस्ट्री चेंज तो ये जो है राइट right, ये पूरी की पूरी कहानी बदल देती है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल देता है तो इसको भी मैनेज करना होता है रिसेंट रिसर्चेस को भी मैनेज करना होता है रिसेंट रिसर्चेज को भी अपडेट करना पड़ता है तो ये भी एक बहुत मेजर चैलेंज है ये भी एक मेजर चैलेंज है, है। ना बच्चे इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टेंथ रोल ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियन रोल ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियन है ना बच्चे रोल ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियन है ना बच्चे तो एंशियंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मॉडर्न हिस्टोरियन की जरूरत होती है है ना वर्षा अमन प्रतीक हमें मॉडर्न हिस्टोरियन की जरूरत पड़ती है बच्चे एनशियट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लेकिन सारे मॉडर्न हिस्टोरियन की अपनी आइडियोलॉजी होती है दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजी एंड वेन एवर दे आर एनालाइजिंग एनीथिंग दे आर गाइडेड बाय देयर ओन आइडियोलॉजी इसका मतलब एंशेंट इंडिया के बारे में जो कॉलोनियल हिस्टोरियन ने लिखा है वो अलग है जो नेशनलिस्ट ने लिखा है वो अलग है जो मार्क्सिस्ट ने लिखा है वो अलग है है ना बच्चे तो मॉडर्न हिस्टोरियन अपनी अपनी आइडियोलॉजी को यूज करते हैं उसी सोर्स को यूज करने में है ना सुभाष तो उसी कहानी को हमारे सामने लाने में कॉलोनियल हिस्टोरियन अपना व्यू देते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन उसी को अपने तरीके से कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन उसी को अपने तरीके से कहते हैं सो देर इज आइडियोलॉजिकल बायसनेस इंटरप्रटेशन सबका अलग अलग होता है सपोज हाउ डिक्लाइन ऑफ अशोका सबका इंटरप्रटेशन अलग अलग है Are you getting माई पॉइंट हाउ डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन सबका अप्रोच अलग अलग है है ना बच्चे तो सारे हिस्टोरियन अपनी अपनी आइडियोलॉजी लगाते हैं हम क्या करेंगे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जाएंगे हम सबके अप्रोच की बात करेंगे लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल है उसको हम लोग लेके चलेंगे राइट right? तो इट्स ए ग्रेट चैलेंज एंसियट इंडिया में यह बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम मॉडर्न हिस्टोरियन पर डिपेंडेंट हैं और सभी अपनी अपनी आइडियोलॉजी से बात करते हैं किसी के लिए कोई महान किसी के लिए कोई महान है ना बच्चे तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी समस्या है तो दीज आर प्रॉब्लम्स दीज आर सम इशूज रिलेटेड टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंशियंट इंडियन हिस्ट्री राइट फाइन तो बच्चे हम लोगों ने एक आज जनरल टॉपिक लिया एक नॉर्मल टॉपिक लिया आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आपको बताने के लिए कि हम क्लास में कैसे बात करेंगे हम क्लास में कैसे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हम इस तरीके से बात करेंगे हम समझेंगे हम लिखेंगे पॉइंट्स लिखेंगे पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और आपका क्या काम होगा उस पॉइंट्स को एलेबोरेट करने का पावर गेन करना आप में वो ताकत होनी चाहिए कि उस पॉइंट्स को आप यूज कर पाए आप समझ सकें है ना बच्चे अगर आप ये करते रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना बच्चे तो हम लोगों ने आज आपसे शेयर किया दस ऐसे प्रॉब्लम जो एंशियंट इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए राइट हमें फेस करना पड़ता राइट एनी डाउट यू हैव एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क मैंने तो आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं राइट right. हम लोग क्लास में कैसे करेंगे क्या करेंगे आपको समझ में आया होगा बच्चे राइट आंसर राइटिंग हम लोग जब भी कोई टॉपिक करेंगे तो उस पर क्वेश्चन देखेंगे उसका आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे आयुष और जब आप पॉइंट्स में बात करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए किसी भी आंसर को डेवलप करना वो देखेंगे बच्चे हम लोग क्लास में करते हैं वो कि हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मेट तैयार करेंगे और उस फॉर्मेट को आप लिखोगे उस पर लिखोगे राइट right? क्लास में जो कुछ भी पॉइंट मैं क्रिएट करता हूं सुजीत वो आप लिखोगे अगर मैं कहूंगा आपको कि ठीक है ये पॉइंट लिखो आज आपने दस पॉइंट लिखा है ना अगर टॉपिक है बिल्कुल विल ट्राई टू मेक क्लास नोट सफिशियंट है ना लोन वी विल ट्राई टू मेक क्लास नोट सफिशियंट हम लोग मैं आपको कहूंगा बच्चे कि ये पॉइंट अब लिखो ये पॉइंट अब लिख लो है ना कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं आपको कहूंगा कि आप लिखो इसको राइट राइट वी हैव ए टीम प्रतीक वी हैव ए टीम राइट दे दे राइट दे चेक द आंसर्स राइट नथिंग नथिंग यू यू शुड कम इन द क्लास राइट Without any preparation, no problem, right? तो हम लोग कल से पहला टॉपिक करेंगे हम लोग सोर्सेस पे बात करेंगे राइट right? हमारा फोकस इंफॉर्मेशन नहीं होगा हमारा फोकस राइट right? स्टोरी जेनरेट करना होगा पॉइंट्स जेनरेट करना होगा एनालिसिस करना होगा <laughs> No, we are not starting with prehistory. We are starting with so, uh, sources. Right. Right. Anything you want to ask. Anything you want to ask. <laughs> but first you should gain the points and then you should practice it. That's it. But एक सेक्शन में अराउंड थर्टी फाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है राइट सपोज एंशियंट इंडिया में थर्टी फाइव फोर्टी क्लासेस मेडिवल इंडिया में थर्टी फाइव फोर्टी क्लासेस है ना मॉडर्न इंडिया में अराउंड थर्टी फाइव क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री में अराउंड थर्टी फाइव क्लासेस सो यू हैव वन फोर्टी फिफ्टी क्लासेस सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सो नाइस यू सो नाइस ऑफ यू थैंक यू राइट थैंक यू वंशिका हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरे कोई डाउट हो तो पूछो कोई क्वेश्चन हो तो पूछो सो नाइस ऑफ यू थैंक यू लेकिन कल से पार्टिसिपेट करना है बच्चे लाइव रहना है मुझे अकेला मत छोड़ देना है ना लाइव रहना है मेरे से बात करना है ठीक है ये नहीं कि रिकॉर्डिंग देख लो मुझे छोड़ दो अकेले ऐसा नहीं करना आशा तो बिल्कुल देखेगी है ना कल हम लोग सोर्सेस से शुरू करेंगे बच्चे अभी हम लोग राइट सोर्सेस पे पहले काम करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे प्री हिस्ट्री की राइट